प्रेज द लॉर्ड सारे नु प्यार भरी जम सिटी ब्रांच और फ्लो हो चुकी है, बिल्कुल भी जगह नहीं अंदर और बाहर टेंट लग रहे हैं। शराब पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, अपने बच्चों के साथ ब्रांच पूरी तरह ओवरफ्लो हो चुकी है। मैं छोड़ नहीं पाता। फिर एक दिन मोबाइल पर मैं यूट्यूब देख रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें अपोस्टल आंकर नरुला जी वचन कर रहे थे। उनकी मीटिंग को मैं सुनता गया और सुनने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिली। जब मैंने अपोस्टल जी द्वारा वचनों को सुना, दवाइयों को सुना, तो मेरे मन में भी एक उम्मीद पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी खामरा चर्च जाऊं और अपनी ये नशे की लत को। चलो बेटा बहन जी, चलो अब अपनी जामत चलो ना इधर होने नहीं, अंदर देख लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम वीडियो को देखते हैं। और आपने देखी भी पहले, जो कि शुरू में हमने आप लोगों को वीडियो दिखाई, ये वीडियो है जो कि अंकुर रोला मिनिस्ट्री की ओर से राजस्थान में, जो कि अभी ये पिछले वीक जो कि संडे की मीटिंग निकली है उस वीक नई ओपनिंग की गई थी। और कल जो कि संडे था, इस संडे ही इस ब्रांच की ओपनिंग हुई थी, राजस्थान ब्रांच की ओपनिंग की गई थी। और बहुत सारी क्लेसिया परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा ओवरफ्लो सेक्शन फुल हो चुका था और बहुत सारी क्लीसिया वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने के लिए आई थी। को अचानक ही जब वहाँ पर वर्शिप हुई और वर्शिप के बाद जब वहाँ पर टेस्टमनी होने वाली थी, गवाहियाँ होने वाली थी, तो अचानक ही कोई बाहर से कोई लोग आए, कोई जन आए, जो कि बजरंगी दल के जो कि जन थे, लोग थे, उन्होंने अचानक आकर, आप आगे वीडियो में जिसे हम कह सकते हैं कि उनका पूरा ग्रुप था, 40-50 जनों का ग्रुप था। उन्होंने अपने मुंह अंगोचों से बांधे हुए थे, उनके मुंह पटकों से, रुमालों से बंधे हुए थे, जाने के हम उनको पहचान नहीं सकते। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि किसी ने उनकी वीडियो भी बनाई है जब उन्होंने चर्च में, चर्च हॉल में एंटर किया, और ना उन्होंने किसी से बातचीत की, ना किसी से कोई क्वेश्चन पूछा। उन्होंने सिर्फ आते ही उन्होंने हमला कर दिया, आते ही उन्होंने चर्च के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कि चर्च के लोगों पर जब उन्होंने अटैक किया, जब चर्च पूरी तरह से भरी हुई थी कलीसिया से, और मेरा यही मानना है अगर ये एकदम से आकर अटैक कर देते, इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई सरकार का, कोई पुलिस मुलाज़मों का इनके अंदर खौफ नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि पुलिस भी इनके साथ रली हुई है। क्योंकि पुलिस का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि जब हमें मैसेज आया, हमें ये मैसेज दिया गया कि जिन लोगों ने चर्च के ऊपर अटैक किया, जिन गुंडों ने चर्च के ऊपर अटैक किया, वो पुलिस के साथ मिले हुए थे। क्योंकि हमें पहले देखने के लिए मिला कि जब वो अटैक करने वाले थे, अटैक के पहले वो पुलिस के साथ थे, पुलिस मुलाजिम उनके साथ थे, वो उनको चाय कॉफ़ी बनवा कर पिला रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा उनका आदर कर रहे थे। और इसका मतलब यही है कि ये पुलिस मुलाजम भी इन गुंडों के साथ रले हुए थे जिन्होंने राजस्थान चर्च के ऊपर अटैक किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायक खबर ये है कि जब इन्होंने अटैक किया, चर्च पूरी तरह से फुल थी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे जिन्होंने के ऊपर इन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, और बच्चों के ऊपर इन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया, बच्चों के ऊपर इन्होंने हाथ उठाए, बुज़ुर्गों के ऊपर इन्होंने
डंडा बरसाया और बहुत सारे लोगों को चोटें भी आप देख सकते हैं आगे पहुंची और बहुत सारा नुकसान इन्होंने चर्चिस में किया। और मैं आपने देखी होगी कई वीडियोस पर हमने स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं, वो इसलिए लगाए हैं कि उन लोगों को इस माहौल में इन दंगाधड़ी में उनको चोटें आई हैं और हम आपको नहीं दिखा सकते और पुलिस वाले ये सब माहौल देकर उठे ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास पूरी परमिशन थी, आप ये देख सकते हैं चर्च ने पूरी परमिशन लेकर सरकार से परमिशन लेकर वहाँ पर ब्रांच ओपन की है, ये उसके सबूत है, ये उसके पूरे प्रूफ है कि हमने पूरी परमिशन के साथ उस ब्रांच को ओपन किया, तो फिर वो ऐसे अटैक कैसे कर सकते हैं, ऐसे चर्च के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। आए दिन क्रिश्चियन के ऊपर हमला हो रहा है, आए दिन चर्चिस के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार चुप कर मुंह पे हाथ रखे हुए बैठी है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, पुलिस मुलाजम कोई कदम नहीं उठा रहा। आइए हम पहले इस भाई की वीडियो को सुनते हैं। सैमुअल मसीह है, मैं राजसमंद से हूँ। आज की जो चर्च ओपनिंग ब्रांच पीलीबंगा के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर थी, उसके लिए हमें बड़ी खुशी थी कि राजस्थान के अंदर पहली ब्रांच ओपन हुई है। तो इस प्रेयर मीटिंग में शामिल होने के लिए मैं राजसमंद से पीलीबंगा आया था। प्रार्थना चल रही थी, बड़ी खुशी से लोग प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप हो रही थी। वर्शिप के बाद जब गवाहियों का मौका आया तो सभी लोग बैठे थे, गवाहियां सुन रहे थे, मैं भी गवाही सुन रहा था। इतने में कुछ लोग मुंह पर स्कार्फ बांधे हुए, किसी ने गमछा बांध रखा था, किसी ने स्कार्फ बांध रखा, किसी ने कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। करीब 40-50 लोग अचानक अंदर हॉल में घुसे, उनके हाथों में डंडे थे, सरिये थे, और अंदर घुसते ही उन्होंने मारपीट करनी शुरू की। न किसी से कोई बात, न किसी से कोई पूछा, बस सीधे ही मारपीट। अंदर औरतें भी थी, बच्चे भी थे छोटे, लेकिन उन्होंने किसी का ख्याल नहीं किया और अंदर हॉल के अंदर आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मैं भी नीचे बैठा हुआ था, जब भगदड़ मची उनकी मारपीट से तो मेरे ऊपर से लोग निकलने लगे। मेरा चश्मा था वो भी टूट गया, मेरे हाथ में बाइबल थी तो धक्का मुक्की के अंदर मेरी बाइबल गिर गई। तो मैं अपनी बाइबल उठाने के लिए जब अपना हाथ को मैंने आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे पीठ पर लोहे के सरिये से मारा, बड़ी ज़ोर से मारा, तो मैं गिर गया नीचे। फिर जब मैं उठा, अपने को संभाल के उठ के और मैं बाहर की तरफ जाने लगा तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर कुर्सी और फिर डंडे से वार किए। फिर जब मैं मेन गेट पे पहुंचा तो किसी ने मेरा सिर पे वार किया डंडे से, बड़ी ज़ोर से किया, और उससे मेरा सिर फट गया। फटने के बाद पुलिस वाले आए वहाँ पर, उन्होंने मेरे से पूछा, बिठाया मेरे को, फिर वो लोग अपनी जीप में डालकर मेरे को हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में मेरे 3 स्टिच आए। सुना कि इस भाई ने क्या क्या बोला, और ये बहुत दूर से मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे, ये अंकुर नॉर्म मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं और ये नहीं जानते थे कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की मीटिंग को अटेंड करने आए थे चर्च में, और जब वहाँ पर अटैक हुआ, वहाँ पर हमला हुआ, तब ये भाई भी वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने हर एक घटना जो वहाँ पर हुई हमारे साथ शेयर किया। और मैं कानून को यह बताना चाहती हूँ कि हम वहाँ पर आकर कार्रवाई कराएं, इससे अच्छा ये है कि आप पहले वहाँ पर खड़े हुए मसीह लोगों के लिए खड़े हुए, प्रशासन वहाँ पर मसीह लोगों के साथ हो और इनको अन्याय दिलाए, इनके साथ होकर उन मुजरिमों को जिन्होंने यहाँ पर दंगा फसाद किया, जिन गुंडों ने आकर यहाँ पर अटैक किया, उन्हें सज़ा मिले, उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि वो आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना कर सके।
उन्होंने ऐसे हमला किया कि ये ब्रांच बंद कर दी जाएगी, इसे अगले संडे हम फिर से देखेंगे ये ब्रांच को, फिर से हम नई शुरुआत इसकी करेंगे, फिर से नेक्स्ट संडे यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की आराधना होगी, शैतान के किसी भी अटैक से हम डरने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हमारी अंकुर उलम मिस्ट्री की टीम, हमारे जो कि अंकुर उलम मिस्ट्री के प्रधान हैं ब्रदर जितेंद्र गौरव मसीह जी, वो राजस्थान जा रहे हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी वो हम इनके ऊपर करवाएंगे। और हमारे मसीह लोगों को जिनके ऊपर ऐसे दंगे हुए, जिन्हें चोटें लगी, उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, शैतान से कभी मत डरें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।